नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर श्रीमती रुचिका चौहान से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ग्वालियर पिछले काफी समय से जनसंपर्क कार्यालय ग्वालियर द्वारा कुछ पत्रकारों की उपेक्षा की जा रही थी। जनसंपर्क अधिकारी को बार बार समझाने के बाद भी उनके द्वारा पत्रकारों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। इस बात से नाराज होकर पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर कलेक्टर महोदय श्रीमती रुचिका चौहान से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने उप संचालक जनसंपर्क मधु सोलापुरकर को बुलाकर पत्रकारों के साथ बैठकर विशेष रूप से चर्चा कर जनसंपर्क उप संचालक मधु सोलापुरकर को आदेशित किया कि पत्रकार की जो भी समस्या है उन्हें जल्द से जल्द निराकरण करें। पत्रकारों में रविन्द्र पवैया, देवेंद्र शर्मा एवं शहनवाज खान के नेतृत्व में कलेक्टर श्रीमती चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम था जिसमें पत्रकारों को बाकायदा एक पास मुहैया कराया जाता है। वो पास उन लोगों को दिया गया जो जनसंपर्क के चाहने वाले हैं। चाहने वाले शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हितेंद्र भदौरिया जो कि जनसंपर्क में इस समय देख रहे हैं, और हमारे सोलापुरकर जी ने मुझसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, बाकी लोगों को हम देखते हैं, बाकी आप बात कर लीजिए। हितेंद्र के एक तो क्या सबसे बड़ा गंदी हरकत जो है, मोबाइल के अंदर एक सिस्टम करके रखा है, अननोन व्यक्ति अननोन नंबर से जब कॉल जाता है वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। आप में से अभी हम सब लोग मीडिया के सामने, आप सभी मेरे पत्रकार साथी हैं, आप अभी फ़ोन लगा के देखें, 5 मिनट के अंदर वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। आखिर जनसंपर्क में उनको किसके लिए बिठाया? हम लोगों के लिए। वो हमारे लिए नौकरी कर रहे हैं, ना कि प्रशासन की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, हम उसको प्रकाशित करते हैं। वो काम कौन करेगा? पत्रकारों की कौन सुनेगा? आज जो सूची बनी उस सूची में कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो घर से कभी नहीं आते, उनकी उनको आप सूची में क्यों लेके घूम रहे हैं? वरिष्ठ हैं हमारे, माननीय सम्मानीय हैं, उनकी सूची एक आप अलग बनाएं और उस सूची को निर्धारित करें। लेकिन जिन अखबारों का ग्वालियर से प्रकाशन है उन अखबारों को आज तक कार्ड के लिए ना तो कोई फ़ोन आया है, ना ही कोई ऐसा कोई चीज़ आई है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है जो व्यक्ति वहाँ बोतल और पैसा चाय के बहाने पर लेके जाते हैं उनके पास व्यक्तिगत फ़ोन पहुँचता है और व्यक्तिगत सारे सिस्टम होते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और संज्ञान में लेके आ रहा हूँ, मैं कलेक्टर महोदय से भी बात करूँगा कि जनसंपर्क के अंदर जो विज्ञापन जारी होता है समाचार पत्रों का, उसमें नियमितता बनाई जाती है। हर 3 महीने में जो नियमितता होती है उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़ा इसलिए, पेज 8 उस पर अपलोड होना चाहिए साइट पे, वो कि 4 पेज अपलोड करके और नीचे चाय पीने के बहाने जाके 200 रुपये दे के और वो काम हो रहा है। ऐसे अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर अगर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को भोपाल में ज्ञापन देंगे और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अनशन तक करेंगे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को इस शाखा के अंदर नहीं रहने देंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।